ਕਨਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤੇ 4358 ਕਨਸਟੇਬਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 4358 ਕਨਸਟੇਬਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। सारे ही चुने गए उम्मीदवारों को मेडिकल जांच और तस्दीक उपरांत नियुक्ति पत्र वंडे जाएंगे। सो ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान को, जिन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। भगवंत मान साहब का यह ट्वीट दस है कि 4358 कॉन्स्टेबल की भर्ती की गई है। तो कॉन्स्टेबल भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल हुई है ते 4000 तो ज्यादा 4358 कॉन्स्टेबल्स की यह भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल हुई है। हुण मेडिकल टेस्ट होणगे तमाम इन्हां विद्यार्थियों के। अनमोल गुलाटी साडे नाल ने। अनमोल, 4358 कांग्रेसी माफ करना जो भर्तियां हुई ने, तो इस तो बाद हुण यह साफ हो गया कि सरकार जिस तरह की गल करती सी उस ते खड़ी हो रही है। कहा गया सी हरा पेन चलेगा नौकरियां दे लई, रोजगार दे लई। 4358 कॉन्स्टेबल की भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल हुई है, वधाई दी पात्र है सरकार। तो तुहानू भी याद होएगा कि जो वायदे किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी वालों इलेक्शन तो पहला, तो जरूर कहा जा रहा है कि सिर्फ ये वायदे ने, फूके वायदे ने, ये धरातल से नहीं इंप्लीमेंट किए जा सकते। उस तो बाद जो सरकार बनती है तो उस तो बाद ऐलान करने शुरू किए गए, तो उस ऐलान के उत्ते भी जोड़ा की है काफी सवाल जोड़े कि खड़े किए गए विरोधी धिर वालों। उन्होंने वालों कहा गया कि भी सिर्फ ऐलान ने इन्होंने मुकम्मल जोड़ा की है नहीं हो जा रहे ऐलान, जिस दे नूं लैके काफी ज्यादा कितना ना कितने सवाल खड़े हो रहे थे सत्ता धिर दे उत्ते। लेकिन जिहड़ी सत्ता धिर है वह कितना ना कितने कहा जाए जवाब देण दी थां ते अपना काम मुकम्मल तरीके दे नाल कर रही थी। उस तो बाद हुण जिस तरीके नाल इह खबर सामने आई है ते पहला जिहड़े कि इनफॉर्मेशन मिली थी कि कॉन्स्टेबल जिहड़े कि भर्ती की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिता गया 4358 कॉन्स्टेबल की कॉन्स्टेबलों की। हुण पंजाब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों भी एक ट्वीट भी किया गया, ट्वीट दे के जानकारी दी गई है कि भर्ती की जाएगी। जाने के जो कुछ कहा गया सीगा मान सरकार वालों उस दे उते खरी भी उतरती जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कहा गया सीगा कि रोजगार दे लई हरा पेन जरूर चलूगा ते हरा पेन रोजगार दे लई चलदा होया नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हुण अगे नियुक्तियां होणियां ने, मेडिकल टेस्ट होणगे, ओ तमाम प्रक्रिया किन्ना समां लै सकदियां ने? 7 to 8 महीने का पूरा प्रक्रिया होंदी है, क्योंकि जिहड़ा पहला टेस्ट नूं चेक किया जाता उस दे विच वी एक लंबा समा जाता है। उस तो बाद मेडिकल एग्जामीनेशन, फिर फिजिकल एग्जामीनेशन, तमाम चीजा नूं ध्यान नाल देखण तो बाद मेरिट बेस दे उते सिलेक्शन जिहड़ी है की जाती है। बहुत शुक्रिया अनमोल इस पूरी जानकारी दे लई, अपडेट्स लई तुहाडे कोल आवांगे, फिलहाल धन्नवाद। सो सरकार दा इह कदम कईआं दी भलाई दे लई चंगा कदम साबित होएगा।